आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपके इस कैलकुलेटर हाइट ऐप से आपके फोटोज और वीडियोस डिलीट हो जाती है, या फिर ये कैलकुलेटर हाइट ऐप आपका यहां से डिलीट हो जाता है, या फिर आपने कैलकुलेटर हाइट ऐप में से अपने फोटोज वीडियोस डिलीट करी थी, उसके बाद आपने रिसाइकल बिन में से भी डिलीट कर दी है, तो फिर आप अपने फोटोज और वीडियोस को किस तरह से वापस ला सकते हैं अपने मोबाइल फोन में, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप फोटोज और वीडियोस को वापस लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट वॉच करें, और अगर फोटोज और वीडियोस आपके वापस आ जाते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और नीचे हमें कमेंट कर भी जरूर बताएं। तो अब चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आपके इस वाले कैलकुलेटर हाइट ऐप से फोटोज वीडियोस डिलीट हुए हैं, या फिर आपका ये ऐप आपके मोबाइल फोन से डिलीट हो गया है, तो आप फोटो वीडियो कैसे वापस लाएंगे, अब इस बारे में बात करते हैं। उसके लिए दोस्तों, पहले मैं अपने इस कैलकुलेटर हाइट ऐप में आपको फोटोज ऐड कर दिखा देता हूँ। सिंपली पहले मैं इसे यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसमें फोटोज वीडियोस ऐड कर उसके बाद डिलीट कर दिखाऊंगा, फिर आपको रिकवर कर भी इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट वॉच करें, वीडियो बिल्कुल भी आप स्किप ना करें। तो यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस ऐप को मैंने ओपन कर लिया है। पहले मैं इसमें कुछ वीडियोस ऐड कर लेता हूँ। वीडियोस ऐड करने के बाद मैं आपको डिलीट कर भी दिखाने वाला हूँ, और फिर रिकवर कर भी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, मैं यहाँ पर 3 वीडियोस ऐड कर लेता हूँ और मूव टू वॉलेट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर इन वीडियो को मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 3 वीडियो हमारे पास इसमें आकर ऐड हो गई है। यहाँ से हम बेक करते हैं, अब हम 3-4 फोटो भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो फोटोज़ पे जाते हैं, और यहाँ फोटोज़ पे जाएंगे, काइन मास्टर पर जाते हैं, हम यहाँ से कुछ फ़ोटोज़ ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो हमें कुछ फ़ोटो हमने ले लिए हैं यहाँ पर, और ये फ़ोटो और ये वीडियो हमारी इस ऐप पे आकर ऐड हो गई है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर हमारे ये फ़ोटो वीडियोस यहाँ से डिलीट हो जाते हैं तो इन्हें वापस किस तरह से ला सकते हैं। इन्हें वापस लाने के लिए आपके पास अभी के टाइम में 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा इसी ऐप में, उसके लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, रिसाइकल बिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने आपके वे फोटोज़ और वीडियोस आ जाएगी जो आपके मोबाइल फ़ोन से, यानी जो इस ऐप से डिलीट हुई है। फिर आप उन फोटो और उन वीडियो सेलेक्ट करेंगे और रिस्टोर पे क्लिक कर देंगे, और वो फोटो वीडियो आपके रिकवर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको 60 दिन से ज़्यादा फोटो और वीडियोज़ को डिलीट करे हो गया है, और आपने फोटो वीडियो रिसाइकल बिन में से भी डिलीट कर दिए हैं, या फिर आपके मोबाइल फ़ोन से ये ऐप ही अनइंस्टॉल हो गया है, तो आप फोटो वीडियोस कैसे वापस लाएंगे, अब इस बारे में बात करते हैं। उसके लिए पहले मैं यहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन से ये ऐप को अनइंस्टॉल कर देता हूँ, फिर आपको फोटो वीडियो वापस भी ला कर दिखाने वाला हूँ। तो ऐप हमारे मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल हो गया है। अब हम आते हैं सर्च बार में, यहाँ पर हम सर्च करेंगे फाइल मैनेजर फोटोज वीडियोज़ वापस लाने के लिए। नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको फाइल में मिलेगा MI का, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। बात करें रेटिंग की, 4.6 इस ऐप की रेटिंग है, और 3 मिलियन यूज़र ने इसे रिव्यू दिया है, और डाउनलोड है इस ऐप के 1 बिलियन प्लस। रेटिंग काफ़ी अच्छी है, डाउनलोड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐप इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है, उसके बाद आपको इस ऐप की जो कुछ परमिशन है उसे अलाउ करना है। परमिशन अलाउ करने के बाद आपको 3 बार पर क्लिक करना है, सेटिंग्स पर आप क्लिक कर देंगे। ऊपर आपके सामने ऑप्शन आता है सो हाइड एंड फाइल का, इसे दोस्तों आपको यहाँ पर ऑन करना है, अगर यहाँ पर ये ऑफ है। इसे ऑन करने के बाद आप बैक आएंगे, उसके बाद आप क्लिक करेंगे फाइल वाले आइकन पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड का आपको वेट करना होता है, उसके बाद नीचे आपको आना है। यहाँ पर आपको एक फोल्डर ढूंढना है प्राइवेसी सेफ नाम से, आपके सामने एक फोल्डर यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। सेकेंड नंबर पर फोल्डर शो हो चुका है प्राइवेसी सेफ नाम से, तो हमें इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है पिक्चर्स का, एक आता है वीडियोस का। तो हमें यहाँ पर फोटोज और वीडियोस दोनों ही वापस लानी है, तो पहले हम सेट करते हैं वीडियोस को, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अभी के टाइम में 3 वीडियोस हमारे पास है, क्योंकि 3 ही हमने इसमें ऐड करी थी। तो इन्हें कैसे अब हम सही करेंगे, क्योंकि अभी के टाइम में तो वायरस में है। इन्हें सही करने के लिए आपको इस पर एक बार होल्ड कर रखना है इस तरह से, और 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है, और रीनेम पे आप इस तरह से क्लिक कर देंगे, और यहाँ से आप इसे पूरा कट कर देंगे। यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं वीडियो, या फिर आप कुछ भी नेम टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको डॉट देना है, और MP4 आपको यहाँ पर टाइप करना है। ध्यान आपको एक बात रखना है दोस्तों, यहाँ पर आपको कहीं पर भी स्पेस नहीं देना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। बस इसी तरह से ही आप फोटो वीडियो को वापस लाएंगे, अगर आपने रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमने वीडियो और डॉट MP4 टाइप कर दिया है, अब हम ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो हमारी रेडी हो चुकी है, और ये वीडियो मैंने आपके सामने प्ले भी कर दी है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ से बैक आते हैं, अभी हमारी 2 वीडियो और हैं, इन्हें हम पहले और ठीक कर लेते हैं। सिंपली इन्हें ठीक करने के लिए इन पर एक बार होल्ड करेंगे इस तरह से, मोर पे क्लिक करेंगे,
रीनेम पे क्लिक करेंगे, पूरा कट कर देंगे। यहाँ पर शुरू में हम कोई एक नाम देंगे, डॉट लगाएंगे, MP4 आप टाइप इस तरह से कर देंगे और ओके भी क्लिक कर देंगे। यहाँ भी ओके भी क्लिक करना है। ये वीडियो भी हमारी ठीक हो गई है। अब थर्ड वीडियो भी ठीक करते हैं, इस पर होल्ड कर रखेंगे, मोर पे क्लिक करेंगे, रीनेम पे जाएंगे, पूरा कट कर देंगे और यहाँ कोई एक नया नाम डालेंगे और डॉट लगाएंगे और टाइप करेंगे MP4 और ओके पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ भी ओके पे क्लिक करना है और ये वीडियो भी हमारी रेडी हो गई है। मैं आपको वीडियो भी प्ले करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो की जो क्वालिटी है वो भी यहाँ पर कम नहीं होती है, वीडियो आपकी सेम क्वालिटी में रहती है और इस तरह से आप वीडियो अपनी वापस ला सकते हैं। अब हम यहाँ से बैक आते हैं। यहाँ से बैक आने के बाद अब बात करते हैं फोटोज़ की, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है पिक्चर्स पे। यहाँ पर भी आपके सामने आपके सारे फोटोज़ आ जाएंगे, मगर दोस्तों आप इन्हें ऐसे यहाँ पर देख नहीं सकते क्योंकि अभी के टाइम में ये वायरस की तरह आपके सामने शो हो रहा है। तो पहले इन्हें आपको ठीक करना है, जैसे अभी आपने वीडियोज़ यहाँ पर ठीक करी है। उसके लिए आपको इन पर एक बार होल्ड कर रखना है, इस तरह से मोर पे क्लिक करेंगे, रीनेम पे क्लिक कर देंगे, पूरा यहाँ से कट कर देंगे और शुरू में एक नाम आपको कोई अलग यहाँ पर देना है और डॉट लगाएंगे, फिर आप टाइप कर देंगे PNG, यही आपको टाइप करना है और स्पेस आपको कहीं पर भी नहीं देना है और ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ भी ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं फोटोस हमारा ठीक हो चुका है और ये फोटो भी हमारा रिकवर हो गया है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, एक बार में ही आप यहाँ पर सभी फोटोज या फिर सभी वीडियोस सही नहीं कर पाएंगे, आपको एक एक कर कर ही सारी वीडियोस और सारे फोटोज को यहाँ पर सही करना होता है। जैसे कि मैं आपको कर कर दिखा देता हूँ दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारे फोटोज को सिलेक्ट कर लिया है। मोर पर अगर हम क्लिक करते हैं तो रीनेम का ऑप्शन ही हमारे सामने शो नहीं होता है, इस पर हम क्लिक यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप अगर फोटोज वीडियो सही करना चाहते हैं तो आपको एक एक कर कर यहाँ पर करना है। तो एक फोटोज हमने और सेलेक्ट कर लिया है, अब हम मोर पे क्लिक करेंगे, रीनेम पे क्लिक करेंगे, पूरा कट कर देंगे, एक कोई नया नाम देंगे, टाइप कर देंगे डॉट और आगे टाइप करेंगे PNG और ओके पे क्लिक करना है। यहाँ भी ओके पे क्लिक कर देंगे और ये फोटोज़ भी हमारा ठीक हो गया है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बस दोस्तों इस तरह से आप अपने फोटोज़ वीडियोस को वापस ला सकते हैं अगर आपके मोबाइल फ़ोन से ये कैलकुलेटर हाइट ऐप अनइंस्टॉल हो जाता है या फिर आपके इसमें से फोटोज़ वीडियोज़ डिलीट हो जाते हैं और आप रिसाइकल बिन से भी फोटोज़ वीडियोज़ को डिलीट कर देते हैं। तो बस इसी तरह से आप फोटोज़ वीडियोज़ को वापस ला सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।